हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेशन कि हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही इजी लेवल का, बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन और यूज ऑफ बी। अब बी में हमारे कौन से वर्ड आते हैं? बी में आता है हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे वर्ड किसमें आते हैं? बी में आते हैं। और बी में फ्यूचर में इसमें विल बी और शैल बी भी आते हैं। फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी ये भी बी में ही आते हैं। यदि कहीं पर हमें बी मिल जाता है लिखा हुआ और फिलिंदा ब्लैंक्स भरने के लिए आता है तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिमिलर या नाउन नंबर के अनुसार इनमें से उसमें फिलिंदा ब्लैंक्स में भरते हैं। लेकिन इनका यूज करके हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, तो आज हम यही सीखने वाले हैं अपने वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले तो हम इनका मतलब जानते हैं कि इसके मतलब क्या होता है। इज मीन्स होता है, एम, एम में हूँ, आर में है या हो, वाज में था, वर्मिस थे, विल बी या शैल बी का मतलब होता है होंगे। ये फ्यूचर में लगते हैं हमारे विल बी और शैल बी। प्रेजेंट में इज, एम, आर यानी वर्तमान काल में, और भूतकाल में यानी पास्ट में वाज या वर का यूज हम करते हैं। इनकी सहायता से हम देखेंगे कि सिंपल बिल्कुल साधारण से वाक्य जो हम हिंदी में बोलते हैं उन्हें हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में। नॉर्मल हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वो अपने सेंटेंस की अफर्मेटिव से करते हैं। अफर्मेटिव यानी बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस। अफर्मेटिव जब हम इसे इंग्लिश में से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट जो हमारे सेंटेंस में काम करते हैं या जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मोस्टली नाउन और प्रोनाउन में हम जब नाउन और प्रोनाउन का सब्जेक्ट रूप यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम बी। बी में हमारे क्या आते हैं? बी में हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी यानी हमारे इनमें से कोई सी भी हे, हूँ, हे, वो, था, थे आए तो हम बी के अनुसार इन वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ही आसान तरीके से बस थोड़ा सा ध्यान देने पर आप कर पाएंगे हिंदी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन। जैसे वह अमीर है, तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट, हम वह की इंग्लिश लगाएंगे, वह की इंग्लिश क्या जाएगी? ही। अब है तो हमारे बी में से कौन सा वर्ड, कौन सी वर्ब यूज आएगी? है के लिए, तो है के लिए हम देख रहे हैं इज। है के लिए क्या है हमारी? इज है, तो हम है की जगह यहाँ पर बी की जगह क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे यानी इसकी इंग्लिश। पहले इंग्लिश हिंदी की इंग्लिश में जब ट्रांसलेट, हिंदी तो बिल्कुल हम नॉर्मल जानते हैं लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है या ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में वर्ब सबसे बाद में आती है, इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में आती है। तो ही इज अमीर का क्या आ गया? अमीर यानी रिच। ही इज रिच। तो देखो हमने कितने आसान तरीके से एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम कुछ देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम किस तरह से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस जहाँ नॉट का यूज होता है, तो हम नॉट को किस जगह यूज करते हैं सेंटेंस में अपने ट्रांसलेशन करते समय, तो हम रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, बी में क्या क्या आएगा, इज एम आर वाज वर विल बी या शैल बी, सब्जेक्ट बी, उसके बाद में हमारा आ जाएगा नॉट यानी नहीं के लिए, जो हमारे हिंदी में वर्ब के बिल्कुल पास में होती है वही यहाँ पर भी वर्ब के पास ही आएगी। फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, अब ऐसे बार बार पढ़ने से शॉर्ट में लिखी हुई कॉम्प्लीमेंट आता है, जैसे तुम खिलाड़ी, तुम खिलाड़ी नहीं हो या तुम खिलाड़ी नहीं थे, पास्ट में देख लेते हैं ये वाला सेंटेंस, तुम खिलाड़ी नहीं थे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे यू, क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कोई काम करता है, तो बात तुम के बारे में हो रही है कि तुम खिलाड़ी नहीं हो, तो तुम क्या है हमारा सब्जेक्ट है। अब बी, बी में मैंने थे कि इंग्लिश क्या बताए थे, एक बार रिवाइज कर लो, हाथों हाथ से नोट कर लेना, स्क्रीन शॉट लेकर तब नोट कर लेना। तो थे के लिए हम क्या लगाएंगे वर, यू वर, अब नहीं नहीं बी के जस्ट बाद में नॉट, तो यू वर नॉट और हमारा बच्चा क्या खिलाड़ी, तो यू वर नॉट प्लेयर। तो हमने बहुत आसानी से नेगेटिव सीखा, अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं, इंट्रोगेटिव को हम हिंदी सेंटेंस को दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं, ये तो क्वेश्चन वर्ड, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव को, इंट्रोगेटिव को बोलते हैं हम प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन्हें ट्रांसलेट करने से पहले इन्हें दो तरह से हम, एक तो हम क्या लगाकर पहले क्वेश्चन करते हैं, यानी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है, वाक्य के प्रारंभ में क्या है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, जब हमारा वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हम किस तरह से उसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बोलते हैं ना नॉर्मली, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया, या क्या तुम घर गए, तुम घर पर हो, तो जहाँ क्या शब्द क्या होता है वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो उसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं बी यानी वर्ब का, और उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी इस क्रम को हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, पहले वर्ब आ जाती है उसके बाद में सब्जेक्ट आती है। यदि कहीं कहीं पर नॉट दे रखा हो, नहीं दे रखा हो, तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद में हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो इसका भी हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं, क्या क्या रीता गरीब नहीं है, तो कोशिश करो आप भी बना सकते हो इसे, क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस जो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनके बाद में याद रखना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं हम। तो क्या रीता गरीब नहीं है, तो सबसे पहले क्या आएगा बी, हमने पहले लिखा बी वर्ब आएगी, तो बी के लिए हम किससे यूज, कौन सी वर्ब आएगी हमें, हम रीता के अनुसार बी लगाएंगे, रीता क्या है हमारी सिंगुलर है एक है, तो यहाँ पर हमने रीता लगाया और रीता के साथ हमारी जो वर्ब है के लिए लगेगी वो क्या रहेगी इज लगेगी, इज रीता, अब क्या आ गया नॉट गरीब की, अब क्या बचा हमारा गरीब,
पुअर, तो इज रीता नॉट पुअर। तो ये हमारे क्या बने, इंट्रोगेटिव का पहला टाइप बना। हमने बहुत अच्छे से सीख लिया ये कि बी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या रीता गरीब नहीं है, तो सबसे पहले बी की जगह क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट हमारा रीता है, फिर रीता के बारे में बात हो रही है, नॉट नॉट आ गया, और बचा गया हमारा गरीब, तो हम हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे तो ट्रांसलेशन आपके आधे रह जाएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि अभी हमारे एक रूल और रह गया करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, खासकर जो इस स्टैंडर्ड की शुरुआत करते हैं, जिन्हें बिल्कुल ट्रांसलेशन आता ही नहीं है, उन लोगों को, ताकि वो भी, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे टाइप के कैसे बनते हैं, तो हमने नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव हम देखते हैं दूसरे टाइप के, कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं दूसरे टाइप से। क्योंकि मैंने अभी एक ही टाइप लिखा ना, क्वेश्चन वर्ड बाकी के स्टार्टिंग में आया। दूसरे टाइप के जो सेंटेंस बनते हैं, तो वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड बीच में करके प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखकर। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कहाँ हम वर्ब का यूज करते हैं उसे करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं इसमें, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, और उसके बाद में वही हमारा मेथड रहता है जो पहले हमने देखा था नंबर वन में। तो क्या के बाद में बी आ गई, बी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, जगह हम उसकी जगह कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं, जैसे तुम्हारा मित्र कहाँ है, तुम्हारा मित्र कहाँ है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा इसमें, क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ। तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे, कहाँ की इंग्लिश लेंगे, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है, और वेयर के बाद में है तो क्या आ जाएगा, इज। और योर, तुम्हारे के लिए योर फ्रेंड। कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि योर देखकर यू लगा देते हैं, या जहाँ यू का मतलब यू लगना होता है वहाँ योर लगा देते हैं। तो जब हमारा तुम्हारा किसी नाम के साथ में हो, तो नाम से पहले हो, तो हम तुम्हारा के लिए यू नहीं लगाते हैं, योर लगाते हैं, क्योंकि ये पॉसेसिव के रूप में अपने के लिए काम करता है। इसका हम दूसरे टाइप का भी देख लेते हैं कि नॉट लगाकर हम कैसे बनाते हैं। सेकंड सेंटेंस, मोहन मैदान में क्यों नहीं है, मोहन मैदान में क्यों नहीं, लुत्फा से बनाते हैं पास्ट का, मोहन मैदान में क्यों नहीं था। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा इसमें, क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों। तो हम सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले किसके लिख रहे हैं, क्योंकि, यानी वाय, और वाय के बाद में क्या आना है हमारा, बी आना है, बी का यह था, तो हम क्या लगाएंगे, वाय वॉज। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, यानी मोहन के बारे में बात हो रही है, वाय वॉज मोहन कहाँ नहीं था, इन द
फील्ड नहीं करिए, नॉट बाय वाज मोहन, नॉट कहा कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा इन द फील्ड, हमारा सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी सेंटेंस आगे को बसता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं आज, केवल सिंपल साधारण से सेंटेंसों का हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट ही आता है। तो इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट वर्ब और नॉट के बाद में जो भी बसता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, उसे हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। यानी जब हम हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट, फिर हमें देखना है वर्ब क्या है हमारी जो हमने बी में पढ़ी है, और उसके बाद में अगर नॉट है कहीं तो नॉट देखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में जो हमारा वर्ड दो या तीन वर्ड बाद में रह जाते हैं हम उन्हें करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत अच्छे से समझा ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम किस तरह से करते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का। तो इसी क्रम को हम जारी रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।